नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक टीवी वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, रिपब्लिक टीवी वर्सेस मुंबई पुलिस, रिपब्लिक टीवी वर्सेस परमवीर सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसी लड़ाई के क्रम में आज एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खान चंदानी को मुंबई पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खान चंदानी को मुंबई पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार टीआरपी स्कैम घोटाले केस में। इसी केस के सिलसिले में पिछले दिनों रिपब्लिक टीवी के एबीपी घनश्याम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। घनश्याम सिंह को चेहरे पर काला कपड़ा डालकर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता था, जैसा कि आतंकवादियों को किया जाता है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को भी एक पुराने सुसाइड केस में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा विकास खान चंदानी के गिरफ्तारी से पहले उनसे कई बार इस केस के सिलसिले में पूछताछ भी की गई है। टीआरपी स्कैम घोटाले का खुलासा पिछले महीने तब हुआ था जब बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि कुछ टीवी चैनल टीआरपी के आंकड़ों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसी केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के 1000 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया हुआ है और ताज़ा खबरों के अनुसार रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खान चंदानी को कर लिया गया है गिरफ्तार। रिपब्लिक टीवी का इस बारे में कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई की जा रही है रिपब्लिक टीवी के खिलाफ और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बदले की कार्रवाई है। तो देखते हैं दोस्तों, ये चूहे और बिल्ली का खेल कब तक जारी रहता है।